स्थिर भी नजर आ रहे हैं इसके बाजार भाव। अलग अलग मंडियों में कैसा है इसका बाजार का हाल, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। लहसुन के भाव में इन दिनों उठापटक का रुख बना हुआ है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बीते दो दिनों के दौरान लहसुन के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। एगमार्कनेट के अनुसार मंडियों में लहसुन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 18 मई को लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 19 मई को 500 रुपए टूटकर 7,000 रुपए के भाव पर आ गया। इसी राज्य की बड़वाड़ मंडी में 18 और 19 मई को लहसुन का भाव 7,750 रुपए के भाव पर टिका रहा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की चित्तौड़गढ़ मंडी में 18 मई को लहसुन का भाव था 3,500 रुपए, जो कि 19 मई को 700 रुपए के उछाल के बाद 4,200 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि यहाँ की विजयनगर मंडी में हफ्ते के पहले दोनों दिन लहसुन का भाव 5,000 रुपए पर टिका रहा। देश की अन्य मंडियों की तरफ रुख करें तो हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,800 रुपए और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल से कम हुआ है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 3,050 टन घटकर 18,600 टन रह गया, जो बीते साल की समान अवधि में 21,650 टन रहा था। तो जान लिया आपने लहसुन के बाद